गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, कभी सुबह सुबह उठ करके देखना, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है बोलो भाई? 4 बजे। शुक्र है, नहीं तो एक जगह मैंने मुंबई में पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है, बोले 9 बजे। तो मैंने कहा 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त कैसे हो जाएगा? बोले महाराज मुंबई में तो 9 ही बजे होता है। तो मैंने कहा 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त, बात समझ में नहीं आती है। उसकी पत्नी बैठी थी बाजू में, मैंने कहा ये क्या बोल रहा कि 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है? पत्नी ने कहा महाराज आज तक मैं नहीं समझा पाई इनको कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। बोले तू क्या समझाएगी, मुझे तो महाराज ने समझा दिया, मैंने आपका प्रवचन सुना है। तो मैंने कहा ये कैसा प्रवचन है कि 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है? बोले एक दिन आपने प्रवचन में कहा था कि जब जागो तब सवेरा, इसलिए मैं 9 बजे जगता हूं, मेरा ब्रह्म मुहूर्त 9 बजे होता है। ध्यान रखे, सही नहीं है मान्यवर? ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठ करके देखना। आकाश की तरफ देखोगे सुबह भी आकाश की लालिमा होती है और सांझ भी आकाश की लालिमा होती है। जब सूरज उगता है तो भी आकाश लाल हो जाता है और जब सूरज डूबता है तो भी आकाश लाल हो जाया करता है। सुबह प्रातःकाल पक्षियों का कलरव सुनाई देता है तो सांझ भी कलरव सुनाई देता है। फर्क कितना होता है कि सुबह की लाली उठाने का काम करती है और शाम की लाली सुलाने का काम किया करती है। और सुबह के पक्षियों का कलरव जो हुआ करता है वह घोंसलों को छोड़कर बाहर निकलने का होता है, और शाम का जो कलरव होता है वह घर वापस लौटने का कलरव। सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं, कलरव करते हैं, आकाश में पंख फैलाते हैं। ऐसा लगता है सुबह सुबह उन्हें देखो कि जैसे बड़े महोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हो। पक्षियों के जीवन में कितना आनंद है, कितना संगीत है। पक्षियों के जीवन में प्रातःकाल इतना आनंद हुआ करता है। घोंसले से देखता है आकाश में सूरज आया, उषा काल में पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाया करता है, मुक्त आकाश का आनंद लिया करता है। कभी देखना जब हवा का झोंका आता है तो एक वृक्ष कितनी मस्ती में झूमा करता है, कितने आनंद में आनंदित हुआ करता है। देखना कभी जिंदगी में विचार करना, नारियल का पेड़ अपनी मस्ती में झूमा करता है और गुलाब का पौधा अपनी मस्ती में झूम, कितना आनंद है इन वृक्षों में, इन पेड़ पौधों में। कभी देखना पहाड़ से गिरते हुए झरने को, उसके पानी में संगीत है, एक गीत है, एक सुर है, बड़े संगीत के साथ पानी झरना बनकर के धरती पर गिरा करता है, बड़ा आनंद है। कल कल निनाद करती नदी को देखना, कितना आनंद है उस नदी में, अपनी मस्ती में रहती है, अपनी मौज में रहा करती है। चिड़िया आनंदित है, पशु पक्षी आनंदित है। एक गाय का बछड़ा जब दौड़ करके रंभाता हुआ मां के पास आता है, इतना आनंद उस बछड़े में हुआ करता है। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि पेड़ पौधे आनंदित हैं, नदी आनंदित है, तालाब आनंदित है, झरने आनंदित हैं। कितना आनंद है इस संसार में,
सुखी सुख है मेरे भाई। विचार करिए आप, प्रकृति का कण कण आनंद में जी रहा है, आसमान आनंदित है। जब रात होती है ना तो हजारों सितारों को आसमान लेकर धरती पर अपना सौंदर्य का रूप दिखाया करता है, आकाश में चंद्रमा चमका करता है। ध्यान रखिए, ज्यों ज्यों रात गहरी होती है आकाश का सौंदर्य बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। आकाश आनंदित है, धरती आनंदित है, नदियां आनंदित हैं, पेड़ पौधे आनंद में जी रहे हैं, पशु पक्षियों के जीवन में आनंद है। अफसोस है, आदमी के चेहरे पर आनंद दिखाई नहीं दिया। आदमी क्यों निराश है? आदमी क्यों उदास है? आदमी को ऐसा क्या हो गया है? एक चींटी भी जीना चाहती है, एक नासमझ जानवर भी जीना चाहता है, पर आदमी को क्या हो गया? ये मरने के षड्यंत्र रचा करता है, ये मरने की तैयारी किया करता है। आज तक किसी जानवर के मुख से ना सुना होगा कि हे भगवान हमें उठा ले, लेकिन आदमी के मुख से तो कई बार सुना है कि अब इस जिंदगी को जिया नहीं जाता, हे भगवान मुझे इस जीवन से उठा ले, इस जीवन से मुक्ति दे दे। क्या घट जाता है हमारे जीवन में ऐसा? आदमी मृत्यु के षड्यंत्र क्यों रचता है? ये आदमी अपनी ही हत्या करने के लिए तैयार क्यों है? मान्यवर, अपने ही जीवन से लाचार हो गया ये इंसान, अपने आप का दुश्मन बन गया। अभी तो ये सुना था कि दूसरे दुश्मन हुआ करते हैं, हम ही अपनी जिंदगी के दुश्मन खुद बनकर के तैयार हो गए हैं। आपने जीवन से अपने आप को खतरा हो गया। कभी आपने सुना किसी भैंस ने आत्महत्या की हो? सुना, कभी विचार किया है? कभी आप अखबार में पढ़ने को मिला है कि आज एक भैंस ने गुस्से में आके आत्महत्या कर ली है? कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है। किसी भी जानवर को समय से पहले मौत को बुलाते हुए आपने ना देखा होगा। कोई देवता समय से पहले मरने का नहीं सोचा करते हैं। नार की सोच भी ले तो मर नहीं सकते हैं। आदमी को क्या हो जाता है? ये क्यों जीवन से हार गया? थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आई और आदमी जिंदगी से हार जाता है। नहीं मेरे भाई, समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती हैं? राम के जीवन में समस्या थी, महावीर के जीवन में समस्या थी, कृष्ण के जीवन में समस्याएं थी, जीसस के जीवन में समस्याएं थी, आचार्य शांति सागर के जीवन में समस्याएं थी, आचार्य कुंद कुंद के जीवन में समस्याएं थी। समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती हैं? ऐसा कोई है? समस्याओं से रहित जीवन नहीं होता, ध्यान रखिए। और हकीकत में देखा जाए तो समस्याओं का नाम ही जिंदगी हुआ करता है। आसानी से जिंदगी मिल जाए तो जीने का मजा खत्म हो जाएगा। एक बात बताइए, यदि समस्याएं नहीं हो तो जीने का मजा क्या है? ध्यान, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदा दिल बनिए। मान्यवर, दुख इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, दुख तो इस बात का है कि जिंदा रहकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। वह मरा मरा सा जीवन जीता है, वह मरे हुए सी जिंदगी जिया करता है। विश्वास पैदा करो अपने आप पर, जिंदगी से हार मत मानिए। जिंदगी मिली है, मालूम है ये मानव का तन मिला है, शास्त्रों में कहा है, ग्रंथों में कहा है, 84 लाख शरीर छोड़े हैं तब जाकर ये मानव का शरीर तुमको प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में हमारा जन्म हुआ है। कितने जन्म हम नाली के कीड़े बने होंगे, कितने जन्म पक्षी बने होंगे, कितने जन्म हम कीचड़ में कीड़ों की तरह रहेंगे होंगे। हर जन्म में हमने प्रार्थना की होगी ईश्वर से कि हे ईश्वर, एक बार मुझे मनुष्य का चोला प्रदान कर दे, हे ईश्वर एक बार मुझे मनुष्य का तन प्रदान कर दे। इसलिए आत्महत्या करने के लिए नहीं, जिंदगी की अंतिम सांस को पूरी ईमानदारी से जीने का प्रयास करिए। अंतिम सांस भी पूरी जिंदा दिली के साथ जिएंगे। क्यों हार जाता है आदमी?
जैसा विचार करिए सोचना है। ऐसे ही नहीं मिल गया मनुष्य का जीवन, बहुत मेहनत की है इसके लिए। मनुष्य का जीवन मिला, ऊंचा कुल मिला, अच्छी खानदान मिली, दिमाग मिला, बुद्धि मिला, शरीर मिला, फिर भी इस जिंदगी से हाथ धोते हो आप लोग। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर भी घबरा गए तो फिर बताओ अब किधर जाएंगे, दूसरा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। जिंदगी मिली है, अच्छे से जियो, तरीके से जियो, सलीके से जियो। बहुत कम जीवन मिला है, इसे उदासियों में मत गुजारिए। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। पहुँच करे अश्क अपनी आँखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। उदास मत जियो, जिंदगी को बुरे आनंद के साथ जीने का प्रयास करिए। विपत्तियां, संकट, दुख किसके जीवन में नहीं आते हैं? सबके जीवन में आते हैं। मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, विपरीत वातावरण बनता है, लेकिन जीने की आस मत छोड़िए। जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, उड़ीसा में चक्रवात आता है, गुजरात में भूकंप आता है, हजारों लोग बेघरवार हो जाया करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो बारामती वालों, इतने बड़े भीषण आंधी तूफान के बाद, भूकंप के बाद भी जो आदमी जिंदा रहता है, वो अपना उजड़ा हुआ आसियाना फिर से बना लिया करता है, वो अपना घर फिर से निर्माण कर लेता। क्या हुआ, जिंदगी कितनी बार छीनेगी, फिर बना सकते हैं। गर हौसले बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जला करते हैं। ध्यान रखिए, आज समस्या है बहुत बड़ी, आदमी अपने जीवन का दुश्मन हो गया है, अपनी ही जिंदगी का दुश्मन हो गया ये इंसान। शहरों में बड़े बड़े व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, महानगरों में व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, गांव में किसान आत्महत्या कर रहा है, घरों में किशोर आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। थोड़ा सा निराशा हुई, थोड़ा सा मन का नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण हुआ और आदमी मरने को तैयार है। और एक बात बताओ, बारामती के लोगों से मेरा निवेदन है, इस पंडाल में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसने आज तक आत्महत्या का विचार ना किया हो, है कोई महान आत्मा? मैं दर्शन करना चाहता हूं। एक बार भी पूरी जिंदगी में मरने का विचार नहीं। महिलाओं तुम्हारी तो जय हो पंचम काल की, ये तो इतनी बार मरती हैं लेकिन एक बार भी नहीं मरती है। विचार करिए, सोचना है आपको। बात बात पर आदमी मरने का सोच लेता है। ऐसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार मरने का ख्याल भी ना लाया हो। मर नहीं सका वो बात अलग है, लेकिन मरने का ख्याल तो सबके भीतर आ जाता है। थोड़ा सा मन का नहीं हुआ मैं मर, महिलाओं का तो नहीं, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं। कौन बोला बंबई वालों की कर रहे हो ना, तुम्हारी तो अभी नहीं, आगे जाके।
विचार करना है आपको, महिलाएं तो हमेशा थोड़े, इनके दो ही हथियार हैं ध्यान रखना, या मैं मायके चली जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लू, मैं नहीं जीऊंगी, तंग आ गई जिंदगी से। महिलाओं से मैं बात बात पे आत्महत्या के विचार मत बनाइए, मरने के विचार मत बनाइए, ध्यान रखिए, विचार करिए आप, बहुत अशुभ विचार है। भगवान महावीर कहते हैं मरने के विचार भाव हिंसा कहलाया करती है, और भाव हिंसा को द्रव्य हिंसा से भी बड़ा पाप माना जाता है। अरे दैहिक हिंसा उतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी वैचारिक, इससे बड़ी क्या हत्या, दूसरों की हत्या करना भगवान महावीर ने पाप कहा है, एक इंद्रिय जीव को भी मारना भगवान महावीर ने पाप कहा है। अरे एक बात याद रखना, मेरे महावीर कहा करते हैं, अरे दूसरों की हत्या करना पाप है लेकिन अपने आप की हत्या करना महापाप हुआ करता है, इससे बड़ा दूसरा कोई पाप। दूसरों की हत्या करना तो पाप ही है, अपनी करना महापाप हुआ करता है। इसलिए भगवान महावीर ने एक प्यारा सा सूत्र दिया है, भगवान महावीर ने चार शब्द इस इंसान को दिए हैं। अरे वो चार शब्द नहीं, चार वेद हुआ करते हैं, वो चार आर्य सत्य हुआ करते हैं, वो महावीर के चार शब्द, ध्यान रखना, इनसे बड़ा ना कोई आगम होता है, ना शास्त्र होता है, ना पुराण होता है। महावीर ने इस दुनिया को केवल चार शब्द दिए हैं। महावीर ने इतना ही कहा है, इस मानव जीवन को सफल करना है तो चार सत्य में जियो, वो चार सत्य है, वो चार वेद है, वो चारों धाम की यात्रा है, वो चार शब्द इस धरती को दिए, जियो और जीने दो, इससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं हुआ करता है, इससे बड़ा कोई आगम नहीं हुआ करता है, ना वेद है, ना पुराण है, ना कुरान है। चार शब्द में उन्होंने अपनी पूरी देशना को समाहित कर दिया, चार शब्द में पूरे दर्शन को रख दिया भगवान महावीर ने, ऐसे दार्शनिक हुए, उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान महावीर से पूछा गया कि एक आप बताइए एक सेंटेंस में धर्म का सार क्या है, तो महावीर ने कहा जियो और जीने दो। ध्यान रखिए, प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता।